वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय 1956 से स्थापित है और यहाँ ये पहला इवनिंग कॉलेज राजस्थान का रहा है। माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, योगा, एलएलबी, एलएलएम, आर्कियोलॉजी, म्यूजिक में डिप्लोमा, म्यूजिक में एमए, ज्योतिष, वास्तु, सारे कोर्सेस इस कैंपस में संचालित हो रहे हैं। शहर के बीचों बीच हरा भरा कैंपस और विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हमने दे रखी है। फ्री वाईफाई कैंपस है। नेक के द्वारा ए ग्रेड हमको माननीय कुलपति प्रोफेसर एस एस सारंगदेव साहब की अध्यक्षता में हम इस विद्यापीठ को चला रहे हैं और उनके प्रयासों से हम यूजीसी में भी यूजीसी का इंस्पेक्शन भी अभी हम रिसेंटली करा चुके हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए हमने बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, एनसीसी, एनएसएस, गेम्स, स्काउट्स, उसके अलावा योजना मंच और कल्चरल एक्टिविटीज भी हम संचालित करते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज में हम फैंसी ड्रेस, मोनो एक्टिंग, डांस, सिंगिंग सॉन्ग्स वगैरह, थिएटर एक्टिविटीज, पोस्टर, कार्टून, पेंटिंग्स, मेहंदी, रंगोली, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम कंडक्ट करवाते हैं विद्यार्थियों के माध्यम से। इसके अलावा बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए समय समय पर हम निष्णात, विषय निष्णात के माध्यम से हम एक्सटेंशन लेक्चर्स का आयोजन करते हैं। समय समय पर हम सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस हम आयोजित करते हैं। बच्चों के लिए हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप की फैसिलिटी भी है। राज्य सरकार के द्वारा जो भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती है वो बच्चे जो पात्र हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ स्कॉलरशिप विद्यापीठ में संस्था के माध्यम से भी जो गरीब बच्चे हैं उनको दी जाती है। जो गरीब या ट्राइबल बेल्ट के बच्चे हैं उनका अपलिफ्टमेंट ही इस विद्यापीठ का मूल ध्येय रहा है और उसके लिए विद्यापीठ बराबर प्रयासरत है। हमारे यहाँ के शहर में आज कई सारे विद्यार्थी जो हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष हैं पारस सिंघवी, वो हमारे यहाँ के ऑल ओल्ड स्टूडेंट हैं। हमारे यहाँ पे जो युधिष्ठर जी कुमावत हैं वो भी हमारे यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट रहे हुए हैं। बहुत सारे आईएएस आरएएस ऑफिसर्स भी हमारे यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। बच्चों के लिए जो एजुकेशन स्टैंडर्ड में जो शिक्षा की दृष्टि से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हमारे यहाँ रेमेडियल क्लासेस भी लगाई जाती हैं। आईएएस आरएएस और जो विभिन्न सरकार के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाएं करवाई जाती है उनके लिए हमारे यहाँ कोचिंग की फैसिलिटी भी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये संस्था बराबर प्रयासरत है। शिक्षा के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ एकेडमिक एक्टिविटीज़ तो हम करवाते ही हैं पर हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हम रेगुलर बच्चों के लिए संचालित करते रहते हैं और इसमें बच्चों का पूरा इन्वॉल्वमेंट बराबर रहता है। हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो सारा निपुण है, दक्ष है। हमने कुछ एड ऑन कोर्सेज भी यहाँ पे शुरू कर रखे हैं। बच्चों के लिए कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी हमने यहाँ पे संचालित कर रखे हैं तो बच्चे उसमें भी भाग ले रहे हैं बराबर। जीआईएस में रिमोट सेंसिंग कोर्स है एक, हमने प्लास्टिक के क्षेत्र में हमने प्लास्टिक के लिए हमने एक कोर्स शुरू कर रखा है। साइंस में कुछ हमने अलग से कोर्सेज स्टार्ट कर रखे हैं तो बच्चों का इन सभी कोर्सेज में हम बराबर बढ़ता हुआ रुझान देख रहे हैं। श्रमजीवी कॉलेज शहर के बीच एक ऐसा कॉलेज है जिसने शहर को बहुत कुछ दिया है और हमारा शहर के सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे इसी तरह अपना स्नेह, अपना अनुराग संस्था से बनाए रखें और अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। इसमें जो सुधार की गुंजाइश है वे भी हमें मार्गदर्शित करते रहें। वर्तमान में अभी हमारे यहाँ पे प्रवेश चालू है और सभी संकायों में कला, वाणिज्य, विज्ञान, सभी में लॉ, सभी में हमारे यहाँ भी प्रवेश चालू है तो विद्यार्थी जिनका भी प्रवेश नहीं हुआ है वे हमारे यहाँ प्रवेश के लिए सादर आमंत्रित हैं। रियाज हुसैन, डिप्टी रजिस्ट्रार, राजस्थान विद्यापीठ। श्रमजीवी महाविद्यालय ये शहर का बहुत ही नामचीन महाविद्यालय है। ये इसकी जब स्थापना की गई तो राजस्थान में एकमात्र रात्रिकालीन महाविद्यालय था। जो शिक्षा से वंचित थे उन लोगों को शिक्षा बढ़ाने के लिए हमारे संस्थापक आदरणीय जन्नू भाई ने जो ये शिक्षा के लिए अलग जगाई, आज पूरे इंडिया में राजस्थान विद्यापीठ का एक नाम है। यहाँ हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर एस एस सारंगदेव साहब के नेतृत्व में हमने अभी वर्तमान में कई नए कोर्सेज चलाए हैं और वो बहुत ही नियमित और सक्सेसफुल चल रहे हैं।
महाविद्यालय की पहचान ये है कि यहाँ आईएएस आईपीएस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और बड़े नेता दिए हैं। वर्तमान में राज्य सरकार में हमारे दो मंत्री सरकार में पद पर हैं, आदरणीय गुलाब जी और नंदलाल जी मीणा साहब। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान, खेल विभाग माणिक लाल वर्मा श्रमजीवी कॉलेज उदयपुर शहर में खेल विभाग के अंदर अधिकतर छात्र श्रमजीवी कॉलेज के हैं। उदयपुर के स्पोर्ट्स काउंसिल में करीब 9 कोच इस महाविद्यालय के हैं और आप आसपास जितने भी स्कूल लगे हुए हैं 90% छात्र इसी महाविद्यालय से निकले हुए हैं अध्यापक जो शैक्षिक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हमारे इस श्रमजीवी कॉलेज में योग के अंदर दो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, योग डिप्लोमा और योग में एमए और साइंस एग्जाम में एमपीएड भी हमारे विश्वविद्यालय में चल रही है। और जो छात्र यहाँ एडमिशन लेते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर अपनी स्थानीय सरकार में जो साइंस एग्जाम के अंदर जो पीटी नियुक्त होते हैं उस पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं डॉक्टर रक्षित आमेटा विज्ञान संकाय में समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है हमारे शहर का, और विज्ञान में हमारा एक प्रयास रहा है क्योंकि आज के हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें हम ये चीज़ जानते हैं कि विज्ञान किसी भी तरह से अछूता नहीं है हमारे दैनिक जीवन में। तो उसी की उपयोगिता को देखते हुए और विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर जो बढ़ रहे हैं विज्ञान में, हमने बीएससी मैथमेटिक्स और बायो ग्रुप में और एमएससी केमिस्ट्री में कोर्स प्रारंभ किए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा एक कोर्स यहाँ चल रहा है। लेबोरेटरी बहुत सुसज्जित हैं, इक्विपमेंट से पूरी लेस हैं और साथ ही विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी में भी पुस्तकें सभी विश्व स्तरीय और स्तरीय पुस्तकें हमने मंगवाई हैं। इतिहास एवं संस्कृति विभाग माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय द्वारा 2 साल पहले ये म्यूजियम स्थापित किया गया जिसमें विभिन्न समयों की 8वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान काल के अलग अलग संदर्भों को लेकर कुछ कलाकृतियाँ मूर्तियाँ नेशनल आर्काइव से यहाँ छात्रों के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि छात्र वहाँ तक नहीं पहुँच पाते इसलिए वो उनको देखकर प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी इकट्ठी कर सके। यहाँ पर मेवाड़ के दस्तावेज इकट्ठे किए, विभिन्न ठिकानों के दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं जिससे कि लिपि और भाषा की दृष्टि से छात्र और शोधार्थी विशेष तौर से उसका अध्ययन कर सके। पूरे उदयपुर संभाग में इस तरह का ये पहला म्यूज़ियम हमने स्थापित किया है और अभी इसमें बहुत सारी और भी सामग्री एकत्रित की जा रही है। लगातार इसके विस्तार के लिए हम प्रयासरत हैं और साथ साथ में विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए विभिन्न कालीन जो मूर्तियां हमने स्थापित की हैं उसको बारीकी से अध्ययन किया जा सके इसके लिए हम निष्णातों द्वारा उन विषयों को लेकर विभिन्न विस्तार भाषणों का भी आयोजन करते रहे हैं समय समय पर। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर नीलम कौशिक, विभागाध्यक्ष इतिहास एवं संस्कृति।